हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बाइनरी सर्च एल्गोरिथम डेवलप करते हैं। तो बाइनरी सर्च क्या होता है, बाइनरी सर्च एल्गोरिथम कैसे काम करती है, ये इसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं वो तो हम आपको पिछले वीडियो लेक्चर में ऑलरेडी बता चुके हैं। आज हम उसकी जो अप्रोप्रिएट एल्गोरिथम है उसको लिखते हैं और वो आपको एक्सप्लेन कर देते हैं, ठीक है। सो नाउ टुडे वी स्टार्ट विद बाइनरी सर्च एल्गोरिथम। तो देखिए, बाइनरी सर्च एल्गोरिथम जो हम लिखना शुरू करेंगे, तो जैसे हमने आप लोगों को हर एल्गोरिथम के लिए बताया है कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, से मान लीजिए पहले तो हम यहाँ पे टॉपिक लिख लेते हैं आज का, कि बाइनरी सर्च एल्गोरिथम, ठीक है। अब सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग लिखते हैं एल्गोरिथम और कुछ भी उसका आइडेंटिफाइंग नंबर आप दे दीजिए। जैसे हमने कहा कि साहब 4.6, तो अब ये हम जानते हैं कि भाई चौथे चैप्टर की छठी एल्गोरिथम है, तो ये आइडेंटिफाइंग नंबर हम आप लोगों को बता चुके हैं जब हमने एल्गोरिथम की जो बेसिक लेक्चर्स लिए हुए हैं शुरुआत में। एल्गोरिथम जब शुरू हुई थी उसके अंदर हमने एक्सप्लेन किया था कि एल्गोरिथम में आइडेंटिफाइंग नंबर क्या होता है। तो ये मान लीजिए हमने लिख दिया एल्गोरिथम 4.6। अब हमने क्या लिखा, हमने यहाँ पे लिखा कि किस चीज़ की एल्गोरिथम है, तो हमने लिख दिया बाइनरी और सर्च के लिए, ठीक। अब इसमें क्या होगा, मान लीजिए हमने ये लिखा बाइनरी, यहाँ हमने लिखा डाटा, ठीक है, और कॉमा लोअर बाउंड कॉमा अपर बाउंड कॉमा आइटम कॉमा लोकेशन, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ हम लिखते हैं हियर डेटा इज ए सॉर्टेड एरे विद लोअर बाउंड LB एंड अपर बाउंड UB। तो यहाँ पे डेटा क्या है, यहाँ पे हम लिखेंगे हियर डेटा इज ए सॉर्टेड एरे, ऑलरेडी सॉर्टेड एरे है विद लोअर बाउंड विद लोअर बाउंड हो गया LB एंड अपर बाउंड हो गया UB एंड आइटम इज ए गिवेन आइटम ऑफ इंफॉर्मेशन एंड आइटम इज ए गिवेन आइटम ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है। अब इसमें क्या है कि द वेरिएबल्स बिगिनिंग एंड एंड मिड डिनोट रिस्पेक्टिवली द बिगिनिंग एंड एंड मिडिल लोकेशंस ऑफ ए सेगमेंट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ डाटा। तो अब इसमें आगे जो हम वेरिएबल और यूज करेंगे अपने एल्गोरिथम में, हम यहाँ पे लिखते हैं द वेरिएबल्स कौन कौन से, बिगिनिंग एंड एंड मिडिल डिनोट रिस्पेक्टिवली द बिगिनिंग एंड एंड मिडिल लोकेशंस ऑफ ए सेगमेंट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ डाटा। ठीक है, दिस एल्गोरिथम फाइंड्स द लोकेशन LOC ऑफ आइटम। तो ये एल्गोरिथम क्या काम करेगी, तो ये हम लिख देंगे दिस एल्गोरिथम
द लोकेशन, लोकेशन एल ओ सी ऑफ आइटम ऑफ आइटम इन डाटा, इन डेटा और सेट्स एल ओ सी इक्वल टू नल। अगर वो आइटम नहीं मिलता है डेटा में तो फिर हम एल ओ सी को नल सेट कर देंगे हम, मतलब एल्गोरिथम, ये एल्गोरिथम। ठीक है, तो ये सारा डिस्क्रिप्शन हो गया एल्गोरिथम के बारे में। अब इसमें क्या होगा कि अब हम स्टेप बाय स्टेप जब एल्गोरिथम लिखेंगे, तो मान लीजिए हमने सबसे पहले लिखा से स्टेप वन। ठीक है, सबसे पहले हमने लिखा स्टेप वन। स्टेप वन में क्या होगा, इनिशियलाइज सेगमेंट वेरिएबल। तो जो भी सेगमेंट वेरिएबल है उनको हम इनिशियलाइज सेगमेंट वेरिएबल्स, जो भी सेगमेंट वेरिएबल है उनको हम इनिशियलाइज करेंगे। तो यहाँ हमने लिखा सेट बिगनिंग इज इक्वल टू हो गया, बिगनिंग इज इक्वल टू लोअर बाउंड एंड इक्वल टू अपर बाउंड एंड मिड इज इक्वल टू हो गया इंटीजर बिगनिंग प्लस एंड और डिवाइडेड बाई टू। ठीक है, तो ये हो गया आपका इंटीजर बिगनिंग प्लस। तो यहां से आप क्या कीजिए कि इंटीजर के पहले एक ब्रैकेट यहाँ पे आप लगाइए और ये यहाँ बंद हो गया। ठीक है, अब उसके बाद क्या होगा कि स्टेप टू में हमने लिखा कि रिपीट स्टेप थ्री एंड फोर वाइल, यहाँ हमने लिखा रिपीट स्टेप थ्री एंड फोर व्हाइल बिगनिंग इज लेस देन इक्वल टू एंड एंड डाटा मिड इज नॉट इक्वल टू आइटम। ठीक है, तो अब स्टेप थ्री में हमें क्या करना है, स्टेप थ्री में हमने लिखा कि से सपोज कीजिए, चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। स्टेप थ्री में हमने यहाँ पे लिखा कि थर्ड स्टेप में इफ आइटम इज लेस देन डाटा मिड, इफ आइटम इज लेस देन डेटा मिड, यानी लेफ्ट पोर्शन में है तो राइट वाला आपको बेकार करना पड़ेगा, उधर छोड़ना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, देन सेट एंड इक्वल टू मिड माइनस वन, सेट एंड इक्वल टू मिड माइनस वन, यानी राइट राइट वाला जो हाफ था वो हमने छोड़ दिया, मिड माइनस वन। एल्स, एल्स में क्या होगा, तो एल्स का मतलब ये हुआ कि लेफ्ट वाला आपको लेफ्ट वाला छोड़ना है, राइट वाला रखना है। तो फिर आपको करना पड़ेगा सेट बिगनिंग इज इक्वल टू मिड प्लस वन, ये हो जाएगा। और यहां पे हो जाएगा आपका एंड ऑफ इफ स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका स्टेप थ्री। फिर स्टेप फोर में क्या होगा, सेट मिड इज इक्वल टू, सेट मिड इज इक्वल टू आई एन टी, ये हो गया आपका बैक प्लस एंड
बाई टू ये हो जाएगा, यानी मिड की वैल्यू फिर से ये सेट हो जाएगी। अब एंड ऑफ स्टेप टू लूप, तो यहां पे ये हो जाएगा एंड ऑफ स्टेप टू लूप, स्टेप टू में जो लूप स्टार्ट किया था वो यहाँ एंड हो जाएगा, ठीक है। अब पांचवें स्टेप में क्या देखेंगे हम कि इफ डाटा मिड इज इक्वल टू आइटम, इफ डाटा मिड इज इक्वल टू आइटम देन सेट एलओसी इक्वल टू मिड एल्स नल। और यहां पे हो जाएगा एंड ऑफ इफ स्ट्रक्चर, ठीक है। और इसके बाद लास्ट स्टेप में हम एग्जिट कर जाएंगे, एग्जिट। तो इस तरह से स्टेप बाय स्टेप जो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट हमने बताया था वो इस एल्गोरिथम की मदद से उन्हीं स्टेप को फॉलो करते हुए आप जो है कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको जो है कोई पर्टिकुलर आइटम सर्च करना है तो वो आप सॉल्व कर सकते हैं, और अगर आइटम नहीं मिलेगा तो वो एलओसी में नल सेट कर देगी, ये क्या नाम से एल्गोरिथम। अब इसमें एक चीज जो ध्यान देने वाली है वो हम यहाँ से आपको अलग से लिख दे रहे हैं यहीं पे नोट में कि व्हेनेवर आइटम डज नॉट अपियर इन डेटा द एल्गोरिथम इवेंचुअली अराइव्स एट द स्टेज दैट बिगनिंग इज इक्वल टू एंड इज इक्वल टू मिड देन द नेक्स्ट स्टेप यील्ड्स एंड इज लेस देन बिगनिंग एंड कंट्रोल ट्रांसफर टू स्टेप फाइव ऑफ द एल्गोरिथम दिस अकर्स, ठीक है, इन द सेवरल एग्जाम्पल। तो इसको अब हम क्या करेंगे कि देखिए आपको इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है बाइनरी सर्च एल्गोरिथम का, ये हमने पिछले वीडियो में पढ़ा दिया था। एल्गोरिथम कैसे लिखते हैं स्टेप बाय स्टेप वो हमने ये आज आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब इस एल्गोरिथम को अच्छी तरह समझ लीजिएगा तो इस पे बेस्ड कुछ जो सॉल्व एग्जाम्पल है, ठीक है, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे। तो आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट या कन्फ्यूजन है तो कमेंट लाइन में कमेंट करके लिखिए, और अगर वीडियो कॉन्टेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिल सके। थैंक यू।